मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज 21वें राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। अपनी ओर से पूरे नगर निगम क्षेत्र की ओर से सत सत नमन करती हूं उन शहीदों को जिन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हो गए। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा उत्तराखंड जिस प्रकार से कि हम कहते थे कि उत्तराखंड अटल जी ने दिया है और मोदी जी इसको संवारेंगे, उसी के अनुरूप आज हमारा उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। और आज हमारे लिए एक हर्ष की बात दूसरी यहाँ पर और है कि जो कि हमारा शहीद स्मारक जो हरिद्वार रोड पे था, वो शहीद स्मारक अतिक्रमण के जद में मान्य उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वस्त किया गया था। तो हमारे ये जितने हमारे आंदोलनकारी हैं शहीद स्मारक के लिए उन शहीदों की प्रतिमाओं को लेके जगह जगह बड़े चिंतित थे कि कहाँ पे उनको स्थापित किया जाएगा। आज मैं आभार व्यक्त करूँगी अपने सभी उन 40 पार्षदों का भी जिन्होंने कि इसमें अपना योगदान भी दिया और अपना सहयोग दिया। आज इंद्रमणि बडोनी हॉल जहाँ पे इस जगह से उत्तराखंड का आंदोलन संचालित हुआ था, इस जगह को आज यहाँ पर शहीद स्मारक के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दिया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सुबह मैंने 7:30 बजे यहाँ पर हवन पूजा करके सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए हमारे धर्म में माना गया है कि सबसे पहले उस जगह का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सुबह यहाँ पर हवन पूजा की गई। हवन पूजा के पश्चात वेद मंत्र उच्चारणों के साथ में उन शहीदों की प्रतिमाओं को यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और बड़े धूमधाम से गढ़वाली व्यंजनों के साथ में गढ़वाली वाद्य यंत्रों के साथ में राज्य स्थापना दिवस हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं।